अभी हम लोग आए हुए हैं गुम्पूगढ़ पहाड़ के पास। ऊपर महबूब सानी की दरगाह है, ऊपर जाएंगे दरगाह के पास जाके ज़्यारत करेंगे। देख सकते हो ये सब पहाड़ है, अभी हम लोग को वहाँ पे ऊपर वहाँ तक चलना है, वहाँ पे है दरगाह, इतनी ऊपर चलना है। पैदल ही जा रहे हैं हम लोग, गाड़ी भी जा सकती है लेकिन हम लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि कुछ एडवेंचरस करने को भी रहेगा पैदल जाएंगे तो। गुम्पूगढ़ पहाड़ के सामने भी एक और पहाड़ है भाई, देख सकते हो वहाँ पे सामने की तरफ वो भी पहाड़ है। इधर अभी हम लोग को ऊपर जाना है, इधर देख सकते हो यहाँ पे बच्चे लोग ऊपर से ज़्यारत कर लेके आ रहे हैं। भाई ऊपर पब्लिक है? है पब्लिक, गई है पब्लिक नहीं है क्या? ठीक है ठीक, पहाड़ के बीच में से रास्ता है ऊपर जाने। आधा तो अभी कवर हुआ अर्शद, अभी आधा कवर हुआ और आधा पहाड़ बाकी है चढ़ना। हाय हाय ये नज़ारा, यहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में रोड, देख सकते हो गाइस ये रोड है और दोनों तरफ पहाड़ है, आमने सामने पहाड़ है, बीच में वनपर्ति का रोड। अभी हम लोग ऊपर आधा पहाड़ भी नहीं चढ़े, यहाँ का व्यू चेक करो गाइस। अभी ऊपर आधा पहाड़ बाकी है चढ़ना, चढ़ने पे वहीं पे है महबूब सानी की दरगाह ऊपर से, और बेहतरीन होगा नज़ारा क्योंकि ये पहाड़ ना बहुत हाइट पे है, बहुत हाइट पे है भाई ये पहाड़, गुम्पूगढ़ का पहाड़। ऊपर जाके सबसे पहले ज़्यारत कर लेंगे, फिर उसके बाद नज़ारे देखेंगे और थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट भी करेंगे ऊपर पहाड़ पे चढ़ के। आधी दूर चल के यहाँ पे बैठे, एक 5 मिनट बैठेंगे घर के क्योंकि पैर ना दर्द हो रहे भाई, पैर दुख रहे इसलिए यहाँ पे 5 मिनट बैठे, पानी वानी पी लेंगे फिर उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। चलो लेट्स गो। पहाड़ को खोद के बीच में से रास्ता बनाए, यहाँ देखो क्या बोलना भाई, यहाँ पे AS लिखे। अभी सफ़र देखो भाई कितना बाकी है, वहाँ से पूरा ऊपर जाना है, वहाँ टैंकी के पास है नहीं, वो टैंकी नहीं होती भाई वहाँ पे, नहीं है दरगाह, इस तरफ है, इस तरफ है, ऐसा ऊपर जाना है। ओ भाई ये कौन सा पेड़ है, ये पेड़ कुछ अजीब सा लग रहा है, पूरे यहाँ पे पेड़ पूरे सूख गए धूप की वजह से, पेड़ पूरे सूख गए, पूरा पूरा पेड़, पूरे पहाड़ पे जितने भी पेड़ थे ना वो सब पेड़ सूख गए। पैदल चलने में दम हो रहा भाई लेकिन मज़ा आ रहा, पहाड़ पे पैदल चलने का मज़ा आ रहा है। इधर से शॉर्टकट लेंगे क्या, ऊपर से जा सकते, फुल कट ही जाएंगे साफ रोड पे से, लेट ही परवा, हाँ लेट हुआ परवा नहीं लेकिन सही सलामत जाएंगे। यहाँ पे अंदर एक बोर था, बताता हूँ यहाँ पे अंदर एक बोर था, देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सामने चल कर बताऊँगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बोर में पानी आता था पहले, हम लोग यहाँ गुम्पूगढ़ पहाड़ ऊपर दरगाह के पास जा रहे तो इस बोर से पानी पी के जाते थे, लेकिन अब जो है इस बोर में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन पहले जो है इस बोर से पानी आता था। ओ भाई ये क्या है, ये क्या है, पूरी वाइट सी कार्टन है क्या, हाँ हवे में जो उड़ता देखो भाई वो है, इसको क्या, इसको क्या बोलते हैं, मेरे को तो मालूम नहीं हो रहा भाई इसको क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट करके बताओ आप लोग ही, हवे में उड़ता देखो वो है, ये देखो पूरा यहाँ से पूरा वाइट वाइट कॉटन टाइप में है, लेकिन कॉटन नहीं होता, हवे में उड़ता देखो वो है, इसको क्या बोलते हैं उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ क्या बोलते हैं इसको। ये व्यू चेक करो गाइस कितना ऑसम है, पूरा सामने की तरफ खेत पहाड़ और एम्प्टी प्लेस, और यहाँ पे तो जो वाइट दिख रहा ना वो राजापेट का केसर है यहाँ। अर्शद इसके ऊपर से चलेंगे क्या, अर्शद गिर जाते नहीं ना, कोई इसके ऊपर से चल नहीं सकते लेकिन दौड़ सकते, भाग सकते, उड़ सकते, उड़ सकते, मुंह गिर भी सकते लेकिन उसके ऊपर से नहीं चलना है भाई, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, ड्रोन से कैप्चर करते थे हम लोग अगर मेरे पास ड्रोन होता तो, लेकिन हाँ लेंगे ड्रोन भी लेंगे, अभी तो शुरुआत है भाई व्लॉगिंग करने का।
चल जल्दी जल्दी चल, भागेंगे थोड़ी देर। आ गए गाइस, देख सकते हो करीब है हम लोग, ऑलमोस्ट यहाँ से दौड़ रहे क्योंकि टाइम लेट हो गया, हम लोग आके एक घंटा हो गया बस पहाड़ को ही एक्सप्लोर कर रहे थे। फाइनली ऑलमोस्ट पहाड़ के ऊपर आ गए और दरगाह भी देख सकते हो यहाँ पे, दरगाह है, दरगाह के करीब आ गए। फाइनली अभी जैष्णव दरगाह के पास आके ज़ियारत कर लिए, दरुद भेजे और यहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे ना इतना सुकून है भाई, सुकून ही सुकून दिख रहा है यहाँ पे बैठने से। यहाँ पे पूरा पानी के पाइपलाइन से, ये पाइप देखो कितना मोटा है, पूरा पानी का पाइप है ये, मीटर 0.5 4.5 मीटर। ये टैंकी की डेप्थ जो है 4.5 मीटर की है, 0.5 1 1.5 2 2.5 4.5, टैंकी की डेप्थ जो है 4.5 मीटर की है। गुम्पूगढ़ पहाड़ के ऊपर से आजू बाजू सब पहाड़ ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ इस तरफ का पहाड़ देखो, ये सब पहाड़, वो पूरी हरियाली दिख रही लेकिन वो सब जंगल है, पहाड़ के अंदर जो जंगल रहता ना वो है वो सब। और इस तरफ देखो, इस तरफ भी पहाड़, हिमालयास के पहाड़ दिख रहे हैं तो मेरे को। चलो अब यहाँ से चलते हैं, फोटोशूट करेंगे क्या यहाँ पे? हाँ भाई, यहाँ पे एक 3-4 फोटोस उतरेंगे क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा व्यू है। एक 3-4 फोटोस उतरेंगे, फिर वो फोटोस को लेके मैं मेरे इंस्टा की आईडी पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो यहाँ पे जो फोटो शूट कर रहा हूँ ना वो फोटोस इंस्टा पे देख सकते हो। Playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that. पूरा पाइप सूखा है, पानी नहीं है अंदर, पूरा पाइप खाली है, पाइप के अंदर पानी कुछ भी नहीं है। ऊपर एक छोटा मोटा फोटो शूट भी कर लिए, वो फोटोस मैं मेरी इंस्टा की आईडी पे अपलोड करूंगा, आप मेरी इंस्टा पे चेक कर सकते हो फोटोस। हम लोग ऊपर चढ़ते वक्त थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि चढ़ाव था, चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ, और अब हम लोग उतर रहे तो भागते जा रहे, नीचे उतर रहे तो भागते जा रहे, बस ऊपर चढ़ते वक्त ही थोड़ा मुश्किल हुआ। उतरते वक्त थोड़ा देख समझ कर उतरना पड़ता क्योंकि ये जो पत्थर दिख रहे ना, हम लोग उतरते वक्त स्पीड भागते हुए उतरते और इस पत्थर पे एकदम से पैर रख के पत्थर फिसल गया ना, नीचे गिरने के चांसेस भी रहते, तो थोड़ा मिट्टी के तरफ इस तरफ से उतरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फाइनली नीचे उतर गए। अभी जैष्णव घर आ गया, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। आज हम लोग गुम्पूगढ़ पहाड़ पे जाके वहाँ पे महबूब सानी दरगाह की जियारत कर लिए, फिर उसके बाद आते वक्त एक छोटा सा फोटो शूट कर लिए एंड गुम्पूगढ़ पहाड़ के ऊपर से जो कुछ भी व्यूज़ है ना वो सब व्यूज़ देख लिए। वैदी भी आज के लिए इतना ही है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो बहुत जल्द, जब तक के लिए टेक केयर। देसी जुगाड़, यहाँ पे पानी जो लीक हो रहा है ना वो पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं।